अमन सोसाइटी में व्याप्त समस्याओं को लेकर आयुक्त से मिला कांग्रेस प्रतिनिधि। आज धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र वर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल धनबाद नगर निगम के नगर आयुक्त से मिलकर पत्र और अमन सोसाइटी का बदहाली का तस्वीर के माध्यम से समस्या को अवगत कराया, जिसे गंभीरता से लेते हुए नगर आयुक्त ने तुरंत समस्याओं का निदान करने का आदेश देते हुए दूरभाष के माध्यम से उस क्षेत्र के जूनियर इंजीनियर गौतम कुमार को मापी कर रिपोर्ट देने का आदेश दिए। इस मौके पर रविंद्र वर्मा ने कहा कि नगर आयुक्त ने अमन सोसाइटी की समस्याओं को लेकर जितनी गंभीरता से संज्ञान लेते निर्देश दिए हैं कि आशा है बहुत जल्द अमन सोसाइटी में रह रहे लोगों का समस्या का समाधान होगा। त्वरित कार्रवाई करने के लिए नगर आयुक्त महोदय का धन्यवाद देता हूं। जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता है, ईमानदारी पूर्वक हमारा प्रयास जारी रहेगा। हम लोग पिछले 30 तारीख को मुझे सूचना मिली थी कि अमन सोसाइटी वार्ड नंबर 17 जो धनबाद नगर निगम का एक पॉश इलाका भी कह सकते हैं, वहाँ पे सड़क की स्थिति, नाली की स्थिति, बिजली की स्थिति बहुत ही दयनीय है। यहाँ के लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। इन लोगों का कहना था कि हम लोग शहर में रह करके धनबाद टाउन के बगल में रह करके भी एक नारकीय जिंदगी को जी रहे हैं। इनके सूचना पर हम 30 तारीख को यहाँ पर आकर के विजिट हम लोगों ने किया था। धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी की टीम आई थी, मैंने विजिट किया उस दिन, मेरे नेतृत्व में था, और उसको लेकर के हम लोगों ने नगर आयुक्त से इस रोड की जितनी भी समस्याएं थी लोगों से मिल करके हमने समस्या को लेकर के, इन लोगों ने पहले आवेदन भी दिया है कई बार निगम को, उस सारे आवेदन के कॉपी का लेकर के हम आज नगर आयुक्त से मिले। मिल करके वहाँ हमने साफ शब्दों में कहा कि शहर में वो लोग होल्डिंग टैक्स देते हैं, ऐसा नहीं है कि घर यहाँ पर जो बना है नगर निगम से टैक्स नहीं देता, टैक्स भी वसूलता है, यहाँ बिजली के कनेक्शन है, बिजली का पैसा बिजली विभाग लेती है, लेकिन सुविधा के नाम पर यहाँ पर जीरो है। इसलिए मैंने आज नगर आयुक्त महोदय से कहा कि वहाँ की स्थिति यह है, मैंने यहाँ के जो स्थिति है उसका फोटो स्नैप हमने उनको आज उनके टेबल पर रखा, उनको देख करके वो भी इस बात को माने कि नहीं वाकई में वहाँ बहुत ज़रूरत है। उन्होंने तुरंत यहाँ के जो वार्ड नंबर 17 के जो हमारे जेई हैं, जेई साहब को उन्होंने फ़ोन किया और फ़ोन करके त्वरित इसकी नापी करने की बात कही। इसमें और कुछ बात आया, लेकिन उन्होंने सब बातों को धत्ता बताते हुए साफ शब्द में आदेश किया कि नापी करके उसको एस्टिमेट कीजिए, और उसी के तहत त्वरित अभी इस रोड की नापी हो रही है और नापी करके तुरंत इसका एस्टिमेट होगा। उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इस रोड का कायाकल्प होगा। अगर इसमें कहीं कोई किंतु पंतु अब होना नहीं है, क्योंकि धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी इस पर पैनी निगाह रखी हुई है, क्योंकि हम लोग विकास के काम पर कोई यहाँ पर किंतु परंतु नहीं सुनेंगे और कोई कहाँ ये सब नहीं चलेगा। ये ज़रूरत है यहाँ के लोगों को, इसलिए इसको हर हालत में करना होगा, और इसको हम देखे हैं कि पॉजिटिव साइन नगर आयुक्त महोदय ने दिखाया है और अभी आप त्वरित 1 घंटे के अंदर में ये नापी आपके सामने हो रहा है। रोड का काम कब तक शुरू हो जाएगा? देखिए, इसकी एक प्रक्रिया है, आज नापी होगी, नापी के बाद इसके जो इंजीनियरिंग सेक्शन है इसका एस्टीमेट बनाएंगे, एस्टीमेट रिवाइज होगा, एस्टीमेट करने के बाद इस टेबल पे जाएगा, सेंसन होगा, सेंसन के बाद टेंडर प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया पूरी करने के बाद में रोड में काम लग जाएगी। क्वालिटी ओवन फ्रेश, जो बच्चों की सेहत से करे प्यार, वो क्वालिटी ब्रेड से कैसे करे इनकार। हमारा पता है आरा मोड़, रेलवे गेट नंबर 1, धनबाद। मोबाइल नंबर 7004067520।